बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 11 एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। कैलकुलेट द सैंपल मीन फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज स्मॉल एन इज इक्वल टू 2 दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट। सबसे पहले आपने इसके सैंपल बनाने हैं, फिर आपने इसका सैंपल मीन निकालना है। स्मॉल एन को 2 रखें और इसके 36 सैंपल्स बनेंगे। मेक द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मींस आपने फिर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है। फाइंड द मीन ऑफ वेरियंस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस निकालना है। और इसके बाद आपने पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का वेरियंस निकालना है और वेरीफाई करना है कि म्यू एक्स बार म्यू के इक्वल है। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार सिग्मा स्क्वायर बाई एन के इक्वल है। जो मैंने रेड बॉल पॉइंट से लिखे ये पॉपुलेशन को डिनोट करेंगे। ये पॉपुलेशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, ये पॉपुलेशन का वेरियंस डिस्ट्रीब्यूशन के वेरियंस के इक्वल होगा। अब पहले हम यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर x स्केयर। x में आपने कौन सी वैल्यू लिखनी है? पॉपुलेशन की 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। हम यहाँ से दो चीज़ें निकालेंगे, एक हम पॉपुलेशन मीन म्यू जिसका फार्मूला है समीशन एक्स डिवाइड कैपिटल एन। आप यहाँ पर स्मॉल एन से डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम इनका स्केयर ले लेते हैं। टू का स्केयर है 4, टू का स्केयर 4। इसी तरह से 4 का स्केयर ले लें, 4 स्केयर 16। 6 का स्केयर 36। 8 का स्केयर 64। 10 का स्केयर 100। 12 का स्केयर आप ले लें 144। अब इसको प्लस करेंगे, एक्स है इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये सम ऑफ इसके साथ समिशन लग जाएगा, तो इसको प्लस कर लें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाता है 42 प्लस करके। अब एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे 4 + 16 + 36 + 64 + 100 + 144। तो ये हमारे पास आ जाएगा 364 समीशन एक्स स्क्वायर 364। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, म्यू इज इक्वल टू समीशन एक्स, समीशन एक्स हमारे पास कितना है 42। कैपिटल एन हमारे पास कितना है? कैपिटल एन हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास पॉपुलेशन का साइज होगा, पॉपुलेशन का साइज कितना है? ये वाली पॉपुलेशन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हम 6 से डिवाइड कर लेंगे 42 / 6 = 7। अब हमने पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसी तरह से पॉपुलेशन का वेरियंस कैलकुलेट करेंगे जिसका फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू
summation x square divide capital N minus summation x divide capital N का होल स्केयर. समीशन एक्स स्केयर, ये हमारे पास समीशन एक्स स्केयर है 364 डिवाइड एन. एन हमारे पास कितना है, कोई पॉपुलेशन का साइज 6 माइनस समीशन एक्स हमारे पास है 42 कैपिटल एन 6 और इसका होल स्केयर. अब हम 364 को डिवाइड करेंगे, 364 डिवाइड 6 ये हमारे पास 60.66 आ गया माइनस. अब हम पहले 42 को 6 से डिवाइड करेंगे, 42 डिवाइड 6 हमारे पास आंसर 7 आ गया. 7 का स्केयर 60.66 माइनस 7 का स्केयर 49. अब हम 60.66 में से 49 को माइनस करेंगे, 60.66 माइनस 49 ये हमारे पास 11.66 आ गया. इस क्वेश्चन में जो मैंने रेड मार्कर से सॉल्व किया वो पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का वेरिएंस है. अब हम सैंपल का मीन सैंपल ड्रा करेंगे और सैंपल का मीन और वेरिएंस वाला निकालेंगे. अब हम डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले हमें पॉपुलेशन लिखनी पड़ेगी. पॉपुलेशन हमारे पास है पी ओ पी एन बाई 11 शॉर्टकट हम इसको लिखते हैं. पॉपुलेशन है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 and 12. तो इसमें जो सैंपल का आपने साइज रखना है वो स्मॉल एन आपके पास गिवन है. स्मॉल एन आपके पास कितना है 2. और जो कैपिटल एन है वो हम इस तरह से लेंगे, इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6. पॉपुलेशन का साइज हमने खुद लिखना होता है और सैंपल का साइज दिया होता है. प्रोसीजर इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोसीजर दो ही होते हैं ना, एक तो विद रिप्लेसमेंट एक विदाउट. लेकिन आप इसमें देखें जरा, इसमें प्रोसीजर है विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट जिसका फार्मूला है पॉसिबल सैंपल्स कैपिटल एन की पावर एन. कैपिटल एन हमारे पास क्या है 6, स्मॉल एन 2. तो ये हमारे पास 6 का हम स्केयर लेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपके पास आ जाएगा 36. इसका मतलब है कि हमारे पास 36 सैंपल बनेंगे. अब हम सैंपल को एक टेक्निक से ड्रा करते हैं जिससे हमें इजीली समझ आ जाएगा. अब हम जितने सैंपल बने ना 36 इसको हम लेट कर लेते हैं. लेट C1 इज इक्वल टू 36 को हम डिवाइड कर देते हैं कैपिटल एन से. कैपिटल एन कितना है 6, तो हमारे पास 6. इस 6 का ये मतलब है कि जो हम सैंपल ड्रा करेंगे तो उसका जो पहला नंबर जैसे 2 है इसको हम 6 टाइम लिखेंगे. इसका मतलब है कि हम 2 को कितना टाइम लिखेंगे 6 टाइम. C1 जो 6 आया इसका मतलब है कि 2 को हम 6 टाइम लिखेंगे. इसी तरह से पॉपुलेशन का दूसरा नंबर 4 है, 4 को भी हम 6 टाइम्स लिखेंगे. इसी तरह से 6, 8, 10, 12 सबको हम 6 टाइम लिखेंगे. अब C2 इज इक्वल टू, अब 6 को अगेन कैपिटल एन से डिवाइड कर देना, ये हमारे पास 1 आ जाएगा. अब हमारे पास साइज इसका 2 है तो इसी वजह से हमारे पास C1 और C2 इसी तरह से आ जाएगा. यानी कि हम पॉपुलेशन का हर नंबर इधर 6 टाइम लिखेंगे और इधर हम पॉपुलेशन का जो है ना हर नंबर
वन टाइम लिखेंगे। अब हम मैं ड्रा करती हूँ सैंपल, तो यहाँ से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम सैंपल बना लेंगे। C1 सिक्स से ये मुराद है कि पॉपुलेशन के हर नंबर को हम सिक्स टाइम लिखेंगे। जैसे 2 है, इसको सिक्स टाइम लिखें। 1, हम पॉपुलेशन के हर नंबर को सिक्स टाइम्स लिखेंगे, यानी कि पहला नंबर यहाँ पर है 2, इसको सिक्स टाइम्स लिखना है। जैसे कि मैं लिख रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा नंबर है 4, इसको भी सिक्स टाइम लिखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब थर्ड नंबर है 6, इसको भी 6 टाइम। 1, 2, 3। अब 6 को भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट नंबर है 8, इसको भी हम 6 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट नंबर है 10, इसको भी 6 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 12 को भी 6 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सैंपल साइज 2 का मतलब है यहाँ पर आपके पास सैंपल 2 का होना चाहिए, यानी कि एक एक नंबर और आ जाएगा। अब C2 आपके पास 1 है, C2 1 से ये मुराद है पॉपुलेशन का हर नंबर 1 टाइम्स लिखेंगे। मसलन 2 1 टाइम्स लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसी तरह से अगेन 2, 4, 6, 8, 10, 12। फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12। फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12। फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये आपके पास 36 सैंपल बन गए। अब हम इनका मीन लेंगे। मीन के लिए हम इन दो सैंपल्स को प्लस करेंगे। जब हम सैंपल की दो वैल्यूज को प्लस करेंगे और डिवाइड 2 करेंगे, तो ये हमारे पास सैंपल मीन आ जाएगा। अब मैं सैंपल मीन लगा रही हूँ। 2 + 2, 4 / 2, ये हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह 2 + 4, 6 को 2 से डिवाइड करें, 3। 2 और 6, 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4। 8 और 2, 10। 10 को 2 से डिवाइड करें, 5। 10 और 2, 12। 12 को 2 से डिवाइड करें तो 6। 12 और 2, 14। 14 को 2 से डिवाइड करें तो 7। 4 और 2 + करें तो 6। 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3। 4 और 4, 8। 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4। 6 को 4 से प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, 6 और 4, 10। 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5। अब इसी तरह से हमने सारा सैंपल मीन निकाल लिया, प्लस करके डिवाइड 2 करके यहाँ तक। अब हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का टेबल बनाएंगे। इसको बनाने के लिए अब एक्स बार हमारे पास कितना है, 2। हमने देखने के 2 कितनी दफा आया, 2 एक्स बार वाले में 2 को काउंट करें, 2 कितनी दफा आया, 1 टाइम्स। इसी तरह से पहले हम लिख लेंगे, एक एक दफा लिखेंगे इसको, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व, ये एक्स बार में से हमने लिख लिया। अब हमने लिखना है कि टू कितनी टाइम्स आया, टू को हमने एक्स बार वाले में देखें टू कितनी दफ़ा आया, टू हमारे पास काउंट करें वन वन टाइम्स आया। थ्री अब एक्स बार वाले कॉलम में से देखें कि थ्री कितनी दफ़ा आया, टू टाइम्स। इसी तरह से फोर कितनी दफ़ा आया एक्स बार वाले कॉलम में, थ्री। फिर इसी तरह से फोर फाइव, फोर दफ़ा आया, फोर सिक्स फिर कितनी दफ़ा आया, फाइव टाइम्स। फिर सेवन सिक्स टाइम, फिर एट फाइव टाइम्स, नाइन फोर टाइम्स, टेन थ्री टाइम्स। इसी तरह से अलेवन कितनी दफ़ा आया, टू टाइम्स। ट्वेल्व कितनी दफ़ा आया, वन बार। ये आपने देखते जाने कि टू कितनी दफ़ा आया एक्स बार वाले में। अब हम प्रोबेबिलिटी एक्स बार बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जितने पॉसिबल सैंपल बने 36। प्रोबेबिलिटी एक्स बार बनाने के लिए हम ये जो वन है इसको डिवाइड कर देंगे 36 से। इसी तरह से टू इसको डिवाइड कर देंगे 36 से। थ्री को डिवाइड कर देंगे 36 से। फिर फोर को भी 36। इसी तरह से सारा 5/36। इसको प्लस करने से आया 36/36 इज इक्वल टू वन। अब एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार वाले कॉलम में हम टू को वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2/36, 6/36, 4 को 3 के साथ 12/36, 5 को 4 के साथ 20/36, 6 को 5 के साथ 30/36, 42/36, 40/36, 36/36, 10 को 3 से 30/36, 11 को 2 से 22/36, 12 को 1 से 12/36। अब हम इसको प्लस कर लेंगे 2, 6, 12, 20, 30, 42, इस सारे को हम प्लस कर लेंगे। ये हमारे पास प्लस करके आ जाएगा 252/36। अब हम कॉलम बनाएंगे एक्स बार स्केयर प्रोबेबिलिटी एक्स बार। इस कॉलम को बनाने के लिए आप फर्स्ट वाले कॉलम को जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 4/36। इसी तरह से थ्री को सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 18/36। ट्वेल्व को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे 48/36। ट्वेंटी को फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे 100/36। इसी तरह से 180/36, 294/36, 320/36, 324/300/36, 242/36, 144/36। और इसको आप प्लस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 1974/36। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालेंगे म्यू एक्स बार। इसका फार्मूला होता है समीशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार। तो हमारे पास एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार ये कितने हैं, हमारे पास 252/36। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 7 आ गया। ये हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। अब हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस, जिसका फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार समीशन एक्स बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एक्स बार
माइनस समिशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार का होल स्क्वायर। अब हमारे पास समिशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार, ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं जो हमने प्लस की हुई है लास्ट में, हमारे पास आती है 1974 डिवाइड 36। अब हमारे पास समिशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार, ये हमारे पास वैसे कैलकुलेट करके 7 आया हुआ है, हम इसकी जगह पर ये 7 भी पुट कर सकते हैं, 7 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास 1974 को इसके साथ डिवाइड करेंगे 36 के साथ, ये आ जाएगा 54.833 माइनस 7 का स्केयर लेंगे 49, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.833। तो अब हमने वेरिफिकेशन करनी है, ये वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में हमने ये करना है कि म्यू एक्स बार किस चीज़ के इक्वल है, म्यू के। अब हम देखेंगे कि म्यू एक्स बार हमारे पास कितना आया था, 7 इज इक्वल टू 7, पहला पार्ट हमारे पास ठीक हो गया क्योंकि 7 इज इक्वल टू 7। अब इसी का जो सेकंड पार्ट हमने प्रूफ करना था वो ये था कि डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किस, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन सिग्मा स्क्वायर बाय एन के इक्वल आना चाहिए। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार हमारे पास कितना है, 5.833, तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर बाय एन जी आप पहले बताया था कैलकुलेट करने, सिग्मा स्क्वायर जी आपके पास आ गया 11.666 बाई 2, ये आपके पास आ गया 5.833, ये भी हमारे पास 5.833। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि म्यू एक्स बार म्यू के इक्वल आ गया, यानी कि पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का मीन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के इक्वल आ गया। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस पॉपुलेशन के वेरियंस के इक्वल आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से प्रूफ हो गया। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर ये 3 का सी पार्ट सॉल्व करेंगे।